12/7/14 की घटना है। 12/7/14 को पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना किशनगढ़ में एक रिपोर्ट लिखाई कि उसकी बेटी को 11/7/14 को जो कि शोज के लिए गई थी, जो वापस घर नहीं लौटी है, जिसको काफ़ी ढूंढा वह नहीं मिली। उसको मालूम पड़ा कि वो रवि पुत्र डालचंद निवासी दहिया उसको कहीं भगा के बैला फुसला के भगा के ले गया है। बाद में पीड़िता को 14/7/2014 को दस्तयाब किया गया और पीड़िता ने जब दस्तयाब किया उससे पूछा गया तो उसने बताया गया कि वह अभियुक्त जो रवि है वह उसको जूस पिलाने की कहकर अपने साथ ले गया था। फिर जबरदस्ती ट्रेन में बैठा कर भोपाल ले गया, जहाँ पीड़िता या जबरदस्ती उसने धमकी देकर गलत काम किया। बाद में मुलजिम को दिनांक 15/7/2014 को गिरफ्तार किया गया। प्रोसिक्यूशन की तरफ से इसके अंदर मुलजिम के खिलाफ चालान आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया न्यायालय के अंदर, जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन ने अपने 10 गवाह 15 दस्तावेज पेश किए गए। माननीय न्यायालय की जज श्रीमती सीमा अग्रवाल द्वारा आज इसमें निर्णय सुनाते हुए धारा 363 के तहत 3 वर्ष कारावास 3,000 जुर्माना, धारा 366 के तहत 5 वर्ष कारावास 10,000 और 5,000 रुपये जुर्माना, धारा 376 IPC के तहत 10 वर्ष कारावास 10,000 जुर्माना और पॉक्सो एक्ट की 3/4 के तहत 10 वर्ष कारावास और 10,000 जुर्माना किस तरह से दंडित किया गया है। इसमें कुल सजा 10 वर्ष कठोर कारावास व 28,000 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है।